हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। ये मेरी शूटिंग का लोकेशन एरिया है जहां हम शूट करने वाले हैं, फिल्म को कर रहे हैं। आज 19th डे है शूटिंग का और पिछले 4 दिनों से लगातार हैवी स्नोफॉल हो रहा है। यहां टेंट गिर गया है, नीचे हम लोग रहते हैं जहां पे सारे टेंट हैं नीचे। आज शूट नहीं कर पाए हैं क्योंकि लगातार बर्फ पड़ रही है और हम लोग सिर्फ 24 लोग यहाँ पे हैं। सुबह जब मैं उठा तो मैंने अराउंड देखा तो अभी लगभग 3-3 फीट यहाँ बर्फ पड़ चुकी है। कल हम वहाँ ऊपर क्लाइमैक्स कर रहे थे फिल्म का, भगवान की दया से कल हम शूट कर पाए। ऊपर अगर आप देखोगे वो ऊपर जहाँ ये माउंटेन से पेड़ों के आगे वो पूरा रिकवर्ड है क्योंकि पूरा कोहरा लगा हुआ है। वहाँ हम शूट कर रहे थे कल, वहाँ भी हम 4:30 के आसपास तक शूट कर पाए। अभी आई गेस 5:30 हो रहा है, अभी 5:30 हो रहा है। यहाँ हम कभी शूट करते थे, यहाँ नीचे टेंट है हमारे। तो आज सुबह जब मैं उठा तो पूरा और भर चुका था और ऐसे में क्योंकि मैं सोच के आया था कि शूज़ अच्छे रखूँगा। शूज़ हम लोग स्नो शूज़ लेके आए थे, प्लास्टिक वाले वैसे वाले, पर वो कुछ भी यहाँ काम नहीं कर रहा है क्योंकि बर्फ लगातार बढ़ती जा रही है। और अभी 10 डेज मुझे और शूट करना है यहाँ पे फिल्म को, क्योंकि मैं कई सारे सीक्वेंसेस ऐसे हैं जो बर्फ में शूट कर चुका हूँ, पड़ती बर्फ में शूट कर चुका हूँ। तो मेरी टीम ने कल मुझे कहा, मेरे जो क्रिएटिव लोग हैं, मेरी जो क्रिएटिव टीम है पूरी की पूरी, मेरी प्रोडक्शन वाले सब लोगों ने मुझे कहा कि सर ऐसे मूव ऑन करते हैं, मगर मैं बड़ी डालिमा में हूँ कि शूट करूँ, शिफ्ट करूँ, क्या करूँ, क्योंकि कई सारे सीक्वेंस में बता चुका हूँ कि कई सारे सीक्वेंस ऐसे हैं कि जो पड़ती बर्फ में हो चुके हैं सीन, उसके बाद कंटिन्यूएशन में बर्फ मुझे चाहिए, कुछ ऐसा ही वेदर चाहिए। कल इससे थोड़ा बेटर वेदर था, ज़्यादा ख़राब हो गया है। फोरकास्ट चेक किया, फोरकास्ट में कुछ और था, हालात कुछ और हैं। ये सारी कंडीशन होती है एक टीम मेकर के साथ। और मेरी टीम का एंथ्यू कम नहीं हुआ है, मगर आज थोड़े परेशान थे। आज थोड़ा सा मैं भी परेशान था कि कैसे हम शूट करेंगे। हमने बर्फ़ रुकने का वेट किया, मेरे डीओपी ने मुझे कहा कि सर थोड़ा सा बर्फ़ मेल्टडाउन हो जाए तो हम शूट करते हैं, मगर सुबह से यहाँ पे 5:30 बजे जैसे शाम को इवनिंग में जैसा मौसम है, सुबह भी ऐसे ही था तो हम शूट नहीं कर पाए। लगातार ये सारा मौसम वही चल रहा है और शूट होने में बहुत दिक्कतें आ रही है। मेरे टेंट हैं जहाँ हमारी टीम रहती है, ये पूरा टेंट, वो हमारा किचन एरिया है, ये पूरा पॉन्ड है जो पूरा भर चुका है बर्फ से। कभी ये बहुत नीचे था, अभी ये अगर 2 दिन हम यहाँ पे और रहे और बर्फ़ ऐसी पड़ती रही, भगवान भूलना ऐसी बर्फ गिराते रहे तो ये पूरा लेवल पे आ जाएगा। सबसे बड़ी परेशानी ये है कि यह सामान कैसे नीचे जाएगा। बहुत लिमिटेड सामान बचा हुआ है हमारे पास, खाने का, पीने का और पानी के नाम पे कुछ नहीं है। बर्फ़ गला के हम लोग गर्म पानी करते हैं। मेरी टीम के कुछ लोग हैं जो उठते हैं, देवी सती है और मेरे जो मेकअप मैन है नरेंद्र, वो उठते हैं सुबह। देवी सती मेरे गैफर हैं, वो उठते हैं सुबह 3:30 बजे के आसपास। मेरी हिम्मत नहीं होती है टू बी वेरी फ्रैंक उठने की सुबह, वो पानी गर्म करते हैं, फिर हम लोग जो भी वॉशरूम वगैरह जाना होता है वो करते हैं, मुँह धोते हैं, ब्रश करते हैं। तो ये सिचुएशन है यहाँ पे। और ये कौन है? ओके और आराम से जाना है यहाँ पे, वो है बर्फ। हाँ तो लगातार स्नोफॉल, सब पूरे टेंट तक आ चुका है बर्फ। कैसे पूरी फिल्म शूट होगी, कैसे चीज़ें होंगी, तो ये इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर के साथ बड़ी परेशानी है। पहले दिन जब बर्फ़ पड़ी थी तो हम बड़े एक्साइटेड थे, दूसरे दिन थोड़ा और हालत ख़राब हुई, तीसरे दिन और, फोर्थ डे और 19th डे है, एक्सट्रीम हालत ख़राब है। हाँ जी,
हाँ, मेरे मेरे जो बड़े भाई हैं अभिषेक मेंदोला और इस फिल्म की क्रिएटिव हेड भी हैं, एक्टर भी हैं, वो कह रहे हैं कि ये अब लाइफलाइन की लोकेशन नहीं, ये सितारा फिल्म की लोकेशन हो गई। सितारा मेरे को आने वाली कोई फिल्म है जो हमारा ड्रीम प्रोजेक्ट है, तो कैसे शूट होगा, कैसे क्या होगा, वी ऑल आर क्लूलेस, वी आर नॉट अवेयर ऑफ सिचुएशन। सारी सिचुएशन यही है जो हो रही है। यू गाइज प्रे फॉर अस कि हम शूट अच्छा करें, पूरी फिल्म बने। आज थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट हुआ था, बर्फ क्योंकि लगातार पड़ रही थी, बट आपकी प्रे, आपकी दुआएं ये फिल्म बनाएंगी। हम फिल्म पूरी बना के लेके आएंगे। एक्सट्रीम लोकेशन की पहली फिल्म होगी ये, कोई फिल्म मेकर। अभिषेक भाई, आप क्या लाइन कहते हैं जो एक आपने लाइन मुझे कही थी फिल्म मेकर्स को लेके? एक्टर शुड डाई एज एन एक्टर, नहीं वो सो कॉल्ड फिल्म मेकर जो, हाँ, जो आजकल तथाकथित सो कॉल्ड फिल्म मेकर्स है, वो सुविधा भोगी फिल्म मेकर्स है। वो ऐसे यथार्थवादी सिचुएशंस में, ऐसी परिस्थितियों में काम नहीं कर पाते हैं। और ये एक पैशन है, पागलपन है, ये पागलपन ही इस लोकेशन पर हमें टिकाए हुए है। तो ये जो रियल लोकेशन है, अभी जो अभिषेक भाई ने कहा कि जो सो कॉल्ड फिल्म मेकर्स हैं जो बॉम्बे में या देहरादून में या दिल्ली में या कहीं और एयर कंडीशन कमरों में बैठे हुए बात करते हैं सिनेमा की, और आने वाले जनरेशन को बताते हैं कि फिल्म मेकिंग ऐसे होती है, फिल्म मेकिंग वैसे होती है, या जो फिल्म मेकर्स भी हैं जो फिल्म बनाते हैं, ये अगर मैं कहूं कि ये दिस इज़ द फर्स्ट फिल्म जो बहुत ही लिमिटेड क्रू के साथ, लिमिटेड साधनों के साथ, संसाधनों के साथ बनने वाली, दिस इज़ द इंडियाज़ फर्स्ट फिल्म, am I right wrong? बिल्कुल। ये एक दो तीन चार पाँच छः सात, लगभग छः टेंट हमारे पास हैं और सातवां हमारा किचन है। ये कुछ ऐसा है, ये मेरी फिल्म की एक्ट्रेस हैं संस्कृति। संस्कृति, हाउ यू फीलिंग नाउ? बहुत अच्छा। संस्कृति नॉट फीलिंग गुड एक्चुअली, क्योंकि बर्फ बहुत पड़ी हुई है। ये वॉशरूम्स हैं और संस्कृति वहीं से आ रही है। तो फिल्म मेकिंग, अभिनय, एक्टिंग, डायरेक्शन, ये सारी चीज़ें ईजी नहीं होती है समटाइम्स, क्योंकि आप बहुत ही एक्सट्रीम कंडीशन में काम कर रहे हो, तो कभी टूटते हो। बर्फ, ये जो बर्फ है, ये आपको, आपके विचारों को, आपके सपनों को जमाती है, मगर आपको इंतज़ार करना होता है कब फिर से धूप आएगी। तो ये जो मेरे सपनों में जो बर्फ़ जमी हुई है, मेरे पैशन पे जो बर्फ़ जमी हुई है, ये पिघले और फिर से हम काम करें, तो हम फिर से कल काम करेंगे फॉर श्योर। राइट रॉन्ग संस्कृति? राइट। राइट रॉन्ग अरविंद? राइट। सो बाय, टेक केयर।